Okay. Am I audible? Good morning, all of you. Good morning, sir. Okay, so Okay. So last time I was doing parallel and perpendicular axis theorem. Parallel axis अगर apply कर रहे हैं, anybody can take the formula for parallel axis theorem. What formula we derived at the end? Jitu, क्या formula derived किया था? IO equal to? Yes. क्या formula निकाला था हमने? IO equal to? क्या यार? I don't like this. Ohm mystery. क्या था formula? IC plus MR square. That's right. That's absolutely right. IU equal to IC plus M into R square. That is the formula. But R was what? Let me ask R. Murtuja, R kya tha? What was R? It was Murtuja? Distance between? Two parallel lines. That's right. Lovely answer. Very good answer, Murtuja. Distance between the two parallel axes is R. All right. Okay, now, मैंने last time ये बताया था parallel axis theorem apply करने तो there have to be two axes. Or there must be. Meeting log मत करना उसका network slow है. क्या? Mars बोल रहा है कि meeting log नहीं करना उसका network issue है. Network issue है? Yes, sir. नहीं वो मुझे नहीं मालूम है नेटवर्क इश्यू उसको सॉल्व करना होगा आई कांट ही हैज टू रिमेन प्रेजेंट विद वीडियो ऑन आई कैन नॉट हैंडल ना सो देयर टू बी टू एक्सिस दे मस्ट बी पैरेलल वन ऑफ देम मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास यानी घर वाली और आईओ यानी बाहर वाली ऑलराइट और यहां पे परपेंडिकुलर में तीन एक्सिस होनी चाहिए उसमें से दो प्लेन में होनी चाहिए एक परपेंडिकुलर होनी चाहिए और तीनों एक पॉइंट पे मिलनी चाहिए चल रही ये हमारी कंडीशन थी अच्छा किसी को याद है इसका फॉर्मूला क्या था इसका फॉर्मूला लेट मी आस्क प्रिशा शेट्टी व्हाट इज द फॉर्मूला वी राइट फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो डिराइव किया था लास्ट में वो क्या था प्रिशा शेट्टी प्रिशा यस नो कुछ भी बोलो नहीं आता है तो ना बोलो यस सर हाँ बोलो क्या था फॉर्मूला अफीफ सैयद व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल अरे क्या आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई आई एम नॉट एबल टू रिकॉल वेरी बैड आई डिडंट लाइक दिस चलो एनीवे अभी ना मैंने लास्ट टाइम एक बताया था फाइंड एम आई ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पहला था टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन
और दूसरा था टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन ऑफ दिस, ये मैं बोला था पैरेलल एक्सिस थ्योरम कराने के बाद कराऊंगा मैं, और उसके बाद में डिस्क के बदले रिंग लिखेंगे। अब है ना, एक मैंने फॉर्मूले दिए थे, तीन चार फॉर्मूले। ये सपोज एक डिस्क, ये एक डिस्क है, वी ऑलरेडी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ये वाला फॉर्मूला हमको पता है, एनीबॉडी कैन रिकॉलेक्ट इफ एम इज द मास ऑफ द डिस्क, आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो ये काला पेन जो है उसके अबाउट व्हाट इज द आंसर, एनीबॉडी, एनीबॉडी अनम्यूट एंड से मी द आंसर। मैंने टेबल दिया हुआ है उसके अंदर ये आंसर बताया था, सर 1/4 mr स्क्वायर। एक मिनट, क्या बोला, दो जन का मिक्स हो गया। आलोक क्या बोले आप, आलोक सर mr स्क्वायर अपॉन 2, दैट्स द आंसर, बेस्ट आंसर, आई रियली लाइक यू आलोक। अबे ना मुझे एक बात बताओ, क्या ये टेंजेंट है, क्या ये टेंजेंट है, यस और नो, टेंजेंट टू द डिस्क है कि नहीं? Yes. ये टेंजेंट है या नहीं, यस और नो? ओके, इट इज अ टेंजेंट। क्या पता क्यों नहीं बोल रहे, अच्छा नाम लेने का तो ही बोलेंगे। ओके, एंड क्या ये टेंजेंट है, रिमेंबर ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, फर्क क्या है, रिमेंबर दिस इज प्लेन ऑफ द डिस्क, सो दिस टेंजेंट is perpendicular to plane of disk. This tangent is what? Perpendicular to plane of disk. And this tangent is parallel to the plane of the disk. Achha, mujhe ek baat aur batao. Am I about this axis, Bhargesh? Kya answer? Am I about this axis? Bhargesh? What is the question? What is the answer of this? Am I about this disk, about this axis, black wali axis? Sir, mr square upon 2. अच्छा, किसी को याद है अबाउट डायमीटर के आंसर निकाला था हमने भाई, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, डायमीटर के अराउंड व्हाट इज, व्हाट वाज द आंसर अबाउट डायमीटर, क्या आंसर था डायमीटर, क्या आंसर था अविधि, अविधि एमआर स्क्वायर अपॉन 4, दैट वाज द आंसर। और ये अगर रिंग होती तो ये आंसर था mr square, और ये आंसर था mr square by 2, ये mr square और ये mr square by 2, is this clear? Ritika Prasad, are you there? Ritika? Yes sir. Okay, सब समझ आ रहे हैं? Yes sir. Okay, what is the mi of a disk about diameter? इसका आंसर बोल? mr square upon 4. That's very good answer. चलो अभी हमें है ना, क्या करेंगे? Am I of a disk about tangent perpendicular to plane and then tangent parallel? ये हम निकालेंगे, दुनिया को दिखाएंगे। तो ये रही हमारी एक डिस्क, ये डिस्क है, all right? इसका अबाउट ये आंसर हमको पता है जी, what is the IC का आंसर, एम आर स्क्वायर बाय 2, और हमको निकालना है एम आई अबाउट दिस टेंजेंट IT1, and let us say this about this tangent, which is IT2. Anybody can tell me, in fact, main naam leke bolta hun. Asif, IT1, IT2 mein se kaun sa tangent perpendicular to plane hai, aur kaun sa tangent parallel to plane hai? IT1 is perpendicular and IT2 is parallel. My God, you are wonderful student. I loved it. Okay, ab mujhe ek aur baat batao. Who can tell me, am I about diameter? Iska answer kaun batayega? ID. Humne perpendicular axis theorem se nikala tha, agar aapko yaad hai to. What is the ID ka answer? ID ka answer will be told to me by Ushna. Ushna. Yes, sir. What is the ID ka answer? इसका mr square by 2, इसका आंसर मैंने perpendicular theorem से निकाला था लास्ट टाइम, और अभी भी किसी ने बताया था, आई थिंक आलोक गुप्ता ने बताया था। ओह मां, mr square upon 2, mr square upon 2, ओके विधि, डू यू एग्री विधि भट्ट? ओ विधि भट्ट, यस सर, यू एग्री विद mr square by 2?
MR square by 2 से agree करती हो क्या? Am I of a disc about diameter? Sir, by 4. हाँ, विधि very good answer finally. क्या कर रही थी उसना? उसने ही मैं किया है last time. देखो मैंने ऐसे कराया था. तो disc होगा? हाँ? उसने give the answer. So you did not give the answer? No sir. ये MR square by 2 तो ये होगा MR square by 4 और ring के टाइम पे ये आंसर MR square तो ये आंसर MR square by 2 ये मैंने कराया था आपको तो क्या करते हैं अगर ये x तो this is diameter का x by 2 ये अगर x तो diameter का x by 2 I really do not like this. अच्छा सबसे पहले करेंगे हम लोग Let us say number one tangent perpendicular to plane. Bracket में लिखूंगा IT1. General formula है IO equal to IC plus MR square. IO के बदले में IT1 लिखूंगा. IC के बदले में IC लिखूंगा. Plus M. What is the distance between these two parallel axes? Anybody can tell me? What is the distance between these two parallel axes? R. That is right. Radius. Boy, what is the IC answer? IC answer is MR square by 2. So it will become 3 by 2 MR square. Yeah, answer ho gaya. Tangent perpendicular to plane answer. Well, this answer will be finally 3 by 2 MR square. Yeah, answer. 3 by 2 MR square. अभी tangent parallel to plane निकालना एक बार फिर से tangent perpendicular to plane I can apply between this and this ये tangent perpendicular to plane है और ये center of mass है दो axis होने चाहिए दोनों हैं parallel होने चाहिए दोनों parallel one of them must pass through center of mass yes one of them is ये बाहर वाली ये घर वाली तो बाहर वाली equal to घर वाली plus m equal to r square तो बाहर वाली IT1 है घर वाली IC है प्लस M ये दोनों बाहर वाली और घर वाली के बीच में डिस्टेंस कितना है कैपिटल R तो IC के बदले MR square by 2 तो MR ये हो गया खत्म अब मैं करता हूँ नंबर 2 टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन अगेन अप्लाई द जनरल फॉर्मूला IO इक्वल टू IC प्लस MR square IO के बदले क्या लिखूं? Anybody? IO के बदले क्या लिखूं? Let me ask in fact. Let me ask. Oh, Jito, outside axis कौन सी है? Tangent parallel to plane में? Jito? Yes, sir. कौन सी parallel? हाँ. Sir, ये IT1. That is parallel to plane. And what is tangent perpendicular? ये क्या किया हमने tangent perpendicular to plane? मैं IT1 लिखा है मैंने। अरे भाई मेरे भाई। Remember ये disc में this tangent is perpendicular to plane and this tangent is parallel to plane. Plane ये है ना? ये plane के parallel में और ये plane के perpendicular में है। Why don't you understand? जीतू कौन सी है? Sir IT2. तो फिर क्या करते हो तुम? I don't like this. पूरा एक्सप्लेन करने के बाद तुम गलत आंसर देते हो ये बाहर वाली ओके कौनन कुरेशी घर वाली कौन सी है इसमें टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन में हाँ यस कौनन सर मैं कॉलेज का फॉर्म भरी थी तो मैं अभी ज्वाइन करी जस्ट अरे बाप रे मेरे को लॉक करना अरे ओ विधि विधि अरे विधि बट यस सर ये इसकी रोज की आदत है व्हाई डोंट यू टेल मी एट 10:04 कि सर लॉक कर दो मीटिंग ये रोज की आदत है उसकी यस सर एंड नॉट ओनली विद मी आई आस्क अदर प्रोफेसर आल्सो उधर भी वो 15 मिनट लेट जाती है 3 बजे होगा तो 3:15 बजे विधि तुम आंसर दो आईसी के बदले क्या लिखो आईटी टू में
विधि भट्ट ये बाहर वाले पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास अरे यार ये आईडी है देखो ना ये एक मिनट दिस एक्सिस इज एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ये भी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ये भी जो भी सेंटर से पास हो गए उसको बोलेंगे आईसी और ये वाली ये एक्सिस से टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन देयर आर टू एक्सिस आउटसाइड ये पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज रेडियस तो क्या लिखूं आईसी के पहले क्या लिखूं सर mr स्क्वायर बाय 4 आईडी mr स्क्वायर बाय 4 हां इसके पहले मैं आईडी लिख देता हूं सो दैट इट विल बी क्लियर पहले आईडी लिख दो सो यू आर राइट प्लस डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस इज आईडी इज mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर सो इट विल बिकम 5 बाय 4 ये आपको आंसर कॉपी करने हैं देखो टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन में ये टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन था ये दोनों के बीच का मुझे अप्लाई करनी थी तो आईओ इक्वल टू आईसी जनरल फार्मूला लिखो आईओ के बदले आईडी टू आईसी के बदले पैरेलल एक्सिस इज द डायमीटर एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास आईडी प्लस मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पैरेलल एक्सिस इज आल्सो आर आई बट आईडी का फार्मूला इज mr स्क्वायर बाय 4 कॉपी कर कॉपी डाउन दिस फर्स्ट इसको मिटा दूं इसे मिटा दूं क्या yes, sir. Okay. Now ring का same thing you do as homework. Ring लिखो और homework same thing. मैं खाली summary कर देता हूँ. ये suppose disk है और ये suppose ring है. इसका summary देख लो. इसका answer आएगा mr square by 2. इसका आंसर क्या होगा आलोक गुप्ता ने तो दिया था जीतू इसका आंसर क्या होगा डायमीटर का सो mr स्क्वायर बाय 4 mr स्क्वायर बाय 2 ओके मार्ज इसका आंसर mr स्क्वायर बाय 2 है क्या मार्ज के मार्च का ऑडियो भी बंद है वीडियो भी बंद है ऑडियो वीडियो दोनों बंद है आई थिंक ही सर मैं बाहर आया हूँ बाहर यानी क्या सर मैं स्कूल में आया हूँ क्या सर मैं स्कूल में आया हूँ नहीं आई विल नॉट अलाउ ये चालू हो जाएगा सर सब आई विल नॉट अलाउ अरे सर मैं स्कूल में आया हूँ अपने वहां से लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ अरे तो दिखाओ ना अपने आप को दिखाओ नहीं तो मैं निकाल रहा हूँ अभी तुमको व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस सर 4 और वीडियो चालू करो कुछ भी होने दो कहीं पे भी वीडियो से आवाज नहीं आती है वीडियो से तो सिर्फ तुम दिखाई दोगे या दिखने दो सराउंडिंग्स मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है एवरीबॉडी विल स्टार्ट डूइंग दिस मैटर हाँ Okay, what about this answer will be told to me by Bhargesh, Vaishnavi, tum answer to iska kya answer or iska kya answer?
रितिका, रितिका इसका आंसर दो, अभी अभी मैंने किया है रितिका, टेंजेंट परपेंडिकुलर या टेंजेंट पैरेलल? सर टेंजेंट परपेंडिकुलर इज 3 पाई 3 अपॉन 2 mr स्क्वायर. एंड व्हाट अबाउट दिस? टेंजेंट पैरेलल इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 mr स्क्वायर. माय गॉड, सुपर्ब आंसर, सुपर्ब आंसर, बहुत अच्छा आंसर है रितिका, आई एम सो हैप्पी. दिस इज फॉर डिस्कवा, वेल दिस इज फॉर रिंगवा. ओके, इसका आंसर mr स्क्वायर. अभी इसको देखते देखते यहाँ पे कौन आंसर देगा, ये देख के यहाँ पे कौन बताएगा. लेट मी आस्क अफीफ, इसका आंसर क्या होगा अफीफ? कैन यू से mr स्क्वायर दिस आल्सो? अफीफ सैयद सर, सो इज इट, सो इज इट mr स्क्वायर अपॉन 2? दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर. इसका जो आंसर होगा उसका आधा टाइम. और देखो इसमें प्लस mr स्क्वायर किया तो ये आया, इसमें प्लस mr स्क्वायर किया तो ये आया, इसका आंसर क्या होगा? टेंजेंट परपेंडिकुलर. पूछना तुम बताओ इसका टेंजेंट परपेंडिकुलर का आंसर. इसमें देखो दिस प्लस mr स्क्वायर इज दिस, दिस प्लस mr स्क्वायर इज दिस. सो दिस इधर बताओ अभी. पूछना शेख, 3 mr स्क्वायर. एंड any correction? Bhargav, what do you think? Plus mr. Zitu, what do you think? Mr. Hussein, Dalina? Sir, 2 mr. 2 mr. That's very good. Very good, Ushna. What about this? No, Aska, Aska ne bola hai answer 2 mr. Aska, what about this? देखो दिस प्लस mr स्क्वायर, अगर करेंगे तो ये आंसर आएगा 3/2. ये डायग्राम कॉपी कर लो, ये डायग्राम कॉपी कर लो रिंग का और डिस्क का, ये बहुत यूजफुल है JEE नीट CET सब में. उसके बाद ये लिखो, फाइंड एम आई अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ अ रॉड. हाँ लेंथ तो लिखा ही है, अच्छा रॉड लिखा ही है, रॉड एंड पासिंग थ्रू वन एंड, पासिंग थ्रू एनी वन एंड. इसे मिटा दूं वैष्णवी, इसको मिटाऊं दोनों को? यस सर. ओके, अभी ये रॉड का, किसी को टेबल से याद है व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर रॉड? सपोज रॉड का लेंथ है एल, मैंने एक्सिस दिया था, अबाउट विच एक्सिस, व्हाट इज द आंसर? मैंने टेबल दिया था आपको. एनीवन हु कैन से कि नाम लूं मैं? अस्का, अस्का शेख, व्हाट इज द फॉर्मूला अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ? इसका आंसर क्या था? मैंने दिया है आंसर, इफ एम इज द मास ऑफ द रॉड, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड. टेबल देखो, टेबल नहीं आता. ओके दागीना, तुम बोलो. यस सर. व्हाट इज द आंसर? मुझे मार्च को निकलना पड़ेगा, देयर इज ही इज नॉट लिसनिंग. हाँ व्हाट इज द आंसर? I is equals to mk square. Huh? I is equals to mk square. mk square by 12.
ml square by 12 ml square by 12 12 and through one end perpendicular to its length and passing through its one end. Can I say this is the end? Let's say this is O. So then say this is I O. Did we can apply Pythagoras theorem? By parallel axis theorem. What can I say? What is the equation? General formula is IO equal to IC plus M into R square. IC is ML square by 12 plus M. What is R? Anyone? What will be R? By general, what is the R ka matlab? Distance between R ka matlab kya hai? L by 2. Best answer. My God, superb answer. Why, you know? Because this distance is R. So R, ye pura length L. So this length will be center se end tak R equal to L by 2. Bahut acha answer hai. Afif Sayyed. ML square by 4. 4, 12. So ML square plus 4 triko 12, 3 ML square. That means 4 ML square by 12. Or that is equal to ML square by 3. There you are. That's the answer. Ye formula learn by heart kar lo, ML square by 3 at the end. Topic here. देखो एक बार फिर से I O equal to I C plus M R square. I C for a rod is M L square by 12. M is mass of the rod. R is distance between the two parallel axes. Distance between these two parallel axes is half of the length. So L by 2 का square. M L square by 12 plus M L square by 4. M L square by 3. अब हम इसको मिटा ही दूं. वैष्णवी मिटाऊं इसको? No sir. Okay. चलो बिटा रहा हूं. अब मैंने जरा वो टेबल बनाया था उसमें ऐड करने कुछ और फॉर्मूले. देखो वो टेबल में ऐड करो. मैंने क्या क्या दिया था? मैंने दिया था रॉड ऑलरेडी ओवर रॉड, फिर डिस्क, फिर सॉलिड सिलेंडर, फिर बेयरिंग और हॉलो सिलेंडर. इतना हमने किया था. अब आगे बढ़ते हैं. सॉलिड सिलेंडर एक नए रूप में लेते हैं. सर नहीं दिख रहा ऊपर ना? नहीं दिख रहा ऊपर का? ओ यस यू आर नॉट सर. लेट्स सी. ओके हमने पांच किया था. पांच क्या क्या किया था? और सबसे पहले रॉड, फिर क्या था? डिस्क, फिर क्या था? सॉलिड सिलेंडर, फिर क्या था? रिंग, और फिर क्या था? हॉलो सिलेंडर. अब ये तो सॉलिड सिलेंडर मैं वापस ले रहा हूँ, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल जाएगी उसकी. उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी ऐसन. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इसका आंसर होगा एम इंटू ये एल है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12. एम इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय L square by 12. एक मिस्टेक हो गई मुझसे.
L square by 12 plus R square by 4. ये है ना, ये R है और ये L है. तो ये वाली एक्सिस, वो जो हमने कहा था ना एम आर स्क्वायर वन, ये वाली एक्सिस थी, वो ध्यान रखना अबाउट दिस एक्सिस. ये अभी चेंज हो गई एक्सिस. फिर हम लोग लेंगे सॉलिड स्फीयर. ये अबाउट दिस एक्सिस, एक्सिस थ्रू एनी डायमीटर, थ्रू एनी डायमीटर. इसका आंसर है 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर. देन हॉलो स्फीयर, अबाउट एनी डायमीटर. इधर भी लिख देता हूं एनी डायमीटर, एनी डायमीटर. आंसर इज, ये मैं पूछता रहूंगा क्लास में, ध्यान रखना. आई कीप ऑन आस्किंग, मैं बोलूंगा बता इसका आंसर क्या, उसका आंसर क्या, तो सब फटाफट आंसर आने चाहिए. और फिर एक है रेक्टेंगुलर प्लेट, m into l square plus b square by 12. एक और चीज में भूल गया, सपोज k square का बनाओ. Anybody can tell me what must be k square? पहले मास को हटा देने का, बाकी सब i equal to mk square होता है ना. m into k square is this, m into k square is remaining part. This is 2 by 5 r square, this is 2 by 3 r square. And this is L square plus B square by 12. Where K kya hai? Anybody can tell me what is the meaning of K? K humne kiske liye use kiya tha, Jitu? Oh, Jitu. Yes, sir. K kiske liye use kiya tha? K means what in this chapter? Capital K. Hey, Bhagwan, re, kya chal raha hai, bacha? Aska, K kiske liye tha? Aska? ओ अस्का, यस सर. के क्या था? के रेडियस ऑफ गायरेशन. दैट्स इट, दैट्स इट. बहुत अच्छा. और जीतू तुम ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई में आजकल, ऐसा लग रहा है मुझको. यू आर नॉट स्टडीइंग एंड आई डोंट लाइक दैट. अब ऐसा लिखो, टू फाइंड एम आई ऑफ अ सॉलिड स्फीयर about tangent. ये solid sphere है, इसका ये center of mass है, axis through diameter is the axis it passes through the center of mass. तो IC का answer हमको पता है 2 by 5 mr square. हमको tangent चाहिए. sphere का plane नहीं होता है, ध्यान रखना. sphere is not having any plane. Sphere is a three-dimensional figure. So tangent parallel to plane, tangent perpendicular to plane, sphere mein possible nahi hai. Disc or ring mein possible hai. Sphere mein possible isliye nahi hai, kyunki sphere ka khud ka plane hota hi nahi hai. Wo to teen har jagah maujood hota hai, teenon dimension mein. Plate ek jagah hoti hai aisi, disc ya aisi hoti hai. But sphere three dimensional, isliye ek hi tangent hota hai. Can I draw a tangent like this? Can I say this is a tangent? Can I say this is a tangent? Bolo, bolo. Yes, sir. Any tangent was possible. Ye bhi tangent possible tha. Ye maine isliye nahi liya kyunki I want the two axes, axis through the center and axis through the tangent. They should be parallel. So tell me, can I say by parallel axis theorem? General formula likhunga. IO equal to IC plus MR square. आगे बताओ क्या लिखो, आगे कौन करके बताएगा. आई वॉन्ट टू सी हू इज द बेस्ट इन द क्लास. बताओ कौन बताएगा. आईसी के बदले क्या लिखो? टू अपॉन फाइव एम आर स्क्वायर.
Yes, that's very good, Kanan Qureshi. Kya answer hai? Aur R ke badle kya likho? Sir, it's Ritika. Ritika, very good answer, Ritika. R ke badle kya likho? Chota R ke badle? Chota R is distance between these two parallel axes, which happens to be the radius of the sphere. Mega. 7 by 5 m r square. Here are answers. Hollow sphere ka you will do this as homework. Hollow sphere ke liye. कॉपी किया सभी ने रिंग का हॉलो इधर है ना टू फाइंड एम आई ऑफ अ हॉलो करके उसको जगह छोड़ दो पूरा खाली फर्क है 2 बाय 3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 5 बाय 3 एम आर स्क्वायर विल बी द आंसर लास्ट में वैष्णवी आर यू देयर Yes, sir. Video बंद मत करो अपना. Sir, my video is on only. Hey, just now there was a red line over your name. हाँ इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ रिंग डिस्क सॉलिड स्फीयर रिंग के पास लिख दो और हॉलो सिलेंडर सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर हैविंग द सेम रेडियस Falling through, rolling down, a smooth inclined plane. Smooth inclined plane. Or a diagram.